गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विद दिस मेकअप लुक, बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाली हूँ। आप लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि हम हमारे स्किन टाइप के हिसाब से कौन से प्रोडक्ट यूज करें, कौन से फेस वॉश यूज करें। सो गाइस यहाँ पे मेरे पास है गुड वेब्स की तरफ से टोटल 6 फेस वॉशेस। तो कौन से फेस वॉश कौन से स्किन टाइप के लिए यूज होता है वो मैं शेयर करूंगी डिटेल में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो गाइस टोटल 5 तरह के स्किन टाइप होते हैं। नंबर 1 ऑयली स्किन, नंबर 2 ड्राई स्किन, नंबर 3 कॉम्बिनेशन स्किन, नंबर 4 नॉर्मल स्किन एंड नंबर 5 सेंसिटिव स्किन। तो पहले बात कर लेते ऑयली स्किन के बारे में। तो ऑयली स्किन कब होता है, जब आपके जो ग्लैंड्स है वो बहुत ही ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करता है, उसे क्या होता है आपके स्किन जो है बहुत ज्यादा ग्रीसी लगता है, बहुत ज्यादा ऑयली लगता है, तो उसे कहते हैं ऑयली स्किन। तो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट फेस वॉश रहेगा गुड वेब्स की तरफ से। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ड्राई स्किन के बारे में। तो ड्राई स्किन कैसे पता चलता है, अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा रुखे सूखे लगता है तो उसे कहते हैं ड्राई स्किन। ड्राई स्किन की काफी सारे वजह हो सकते हैं। नंबर 1 डिहाइड्रेशन, नंबर 2 कोल्ड वेदर एंड नंबर 3 कोई भी अलग से कोई भी मेडिकेशन आपको चल रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन के लिए मेरे पास है 2 प्रोडक्ट्स, विच इज गुड वाइब्स एवोकाडो जेंटल क्लींजिंग फोमिंग फेस वॉश और गुड वाइब्स रोजी स्किन क्लींजिंग फोमिंग फेस वॉश। सो गाइस इन दोनों में ही आपको मिल रहा है 150 ml प्रोडक्ट एंड इस प्रोडक्ट का प्राइस ओनली 349 rupees। ये दोनों ही प्रोडक्ट है क्रुएल्टी फ्री, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री एंड मिनरल ऑयल फ्री, विच इज अमेजिंग। सो गाइस अगर आप ये फेस वॉश यूज करते हो तो इसमें एवोकाडो में होता है रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन एंड एसेंशियल फैटी एसिड जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उसके साथ ही आपके स्किन के जो ओवरऑल हेल्थ है उसे इम्प्रूव करता है। अगर आप ये रोजी फेस वॉश यूज करते हो तो रोजी में होता है मिरेकल फ्रूट लोडेड ऑफ विटामिंस एंड बायोएक्टिव्स जो आपके पोर्स को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, उसके साथ साथ आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है एंड रेडिएंट बनाता है। सो गाइस कोई भी फेस वॉश करने से पहले आपके जो फेस एंड नेक है बहुत अच्छे से वेट होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा अमाउंट में ये लेना है और हल्के हाथों से मसाज करके धो लेना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में। कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है कि यहाँ पे जो टी जोन होता है वो बहुत ज्यादा ऑयली होता है और बाकी जो रेस्ट ऑफ द फेस है चीक की तरफ से वो है ड्राई होता है। सो अगर आपके कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप लेमन फेस वॉश यूज कर सकते हो, आप एवोकाडो यूज कर सकते हो, रोजिप यूज कर सकते हो, इवन आप हनी जो फेस वॉश है इसे भी आप यूज कर सकते हो। सो गाइस दिस इज गुड वाइब्स हनी मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश। पैकेजिंग आप देख रहे हो कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, उसके अंदर आपको एक्सपर्ट प्रोडक्ट को देखने को मिलता है और इसमें है डीप क्लींजिंग ब्रश जिससे आपके फेस बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं और एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाते हैं। गाइस इसमें पैराबेन, सल्फेट, मिनरल कुछ भी नहीं है और ये एनिमल टेस्टेड भी नहीं है, विच इज अमेजिंग। सो गाइस हनी क्या करते हैं कि आपके फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं, आपके स्किन में मॉइस्चर को लॉक करके रखते हैं और आपके स्किन को बनाता है सॉफ्ट एंड सपल। ये आपके स्किन से डार्ट को रिमूव करते हैं, अदर इम्प्योरिटीज को रिमूव करके आपके स्किन को बनाता है सॉफ्ट। इसमें आपको मिले 150 ml प्रोडक्ट एंड इस प्रोडक्ट का प्राइस ऑनली 349 rupees। अब मैं बात करूंगी नॉर्मल स्किन के बारे में। नॉर्मल स्किन क्या होता है कि जिससे आपके स्किन बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं होता है और आपके स्किन उतना ज्यादा ऑयली भी नहीं होता है, तो नॉर्मल स्किन वाले लोग किसी भी टाइप के जो फेस वॉश है वो यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए आप कह सकते हो आपके स्किन ब्लेस्ड है कि आप किसी भी टाइप के जो प्रोडक्ट है वो आप यूज कर सकते हो। लास्ट में बात करूंगी सेंसिटिव स्किन के बारे में। सेंसिटिव स्किन क्या होता है कि जब आपकी स्किन बहुत जल्द रिएक्ट करता है, मतलब अगर आपके स्किन में कुछ अप्लाई करते हो तो आपके स्किन में बहुत जल्द रेडनेस इचनेस आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं सेंसिटिव स्किन। तो सेंसिटिव स्किन के लिए सबसे ज्यादा जो अच्छा प्रोडक्ट है वो है गुड वाइब्स की जेंटल क्लींजिंग फोमिंग फेस वॉश। इसमें भी दिया हुआ है डीप क्लींजिंग ब्रश, तो ये है कार्डबोर्ड के पैकेजिंग, उसके अंदर आपको एक्चुअल प्रोडक्ट का देखने को मिलता है विच लुक्स लाइक दिस। इसमें डीप क्लींजिंग ब्रश दिया हुआ है जिसे अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाते हैं। गाइस इसमें कोई पैराबेन, सल्फेट कुछ भी नहीं है और इसमें मिनरल ऑयल भी नहीं है और ये एनिमल टेस्टेड भी नहीं है। टी ट्री क्या करता है कि टी ट्री में होता है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज जो आपके एक्ने को ट्रीट करता है बहुत अच्छे से और ब्लेमिशेस को भी ट्रीट करता है। ये फोमिंग फेस वॉश आपके स्किन से डर्ट एंड इंप्योरिटीज को रिमूव करता है, ये बैक्टीरिया के साथ फाइट करके आपको एक क्लीन लुक देता है। इसमें आपको मिला
आपको देता है एक रेडियंट ग्लो, उसके साथ ही साथ आपके मेलानिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है और आपके स्किन को बनाता है इवन टोन। इसमें आपको मेरा 150 ₹349। इसमें पैराबेन, सल्फेट, मिनरल ऑयल कुछ भी नहीं है और ये वेगन और ये एनिमल टेस्टेड भी नहीं है। So guys, I hope आपको पता चल गया होगा आपके स्किन टाइप से हिसाब से कौन से प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे चीजों का लिंक डाल दिया है, तो मेक श्योर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। तो चलिए अब मेकअप लुक देख लेते हैं। So guys, सबसे पहले मैं यूज करूंगी एक फेशियल ऑयल और मेरे फेस पर बहुत अच्छे से ये अप्लाई करूंगी और हल्की हाथों से मसाज कर लूंगी ताकि बहुत अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन और ब्रश की मदद से मैं बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूंगी। आप ब्लेंडर की ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी कॉन्सीलर और अंडर आइज़ में और जहाँ जहाँ भी डार्क स्पॉट्स है वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्रश की मदद से। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी एक आईलाइनर। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर की आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे से बहुत ही लंबा एक विंग्ड आईलाइनर बना लिया है मैंने। नेक्स्ट मैं ये आईलिड पे यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर की आई शेडो ताकि ये थोड़ा सा पॉप अप करे। और अंडर वाटर लाइन में सबसे पहले मैं ब्लैक कलर के आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद में ग्रीन कलर के आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। फेस को कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्जर और नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी सीरम ब्लश ताकि फेस बहुत ही नेचुरल दिखे और ब्रश की मदद से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट है हाइलाइटर। हाइलाइटर को मैं फेस के हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर रही हूँ, नोज पे, फोरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ और लास्ट में मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक्स। यह है न्यूट कलर की लिपस्टिक और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ग्लॉस क्योंकि आजकल ग्लॉस बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है। So guys, this is my final look. I hope you found this video helpful. Thanks for watching. मेरे और वीडियोस को देखने के लिए आप क्लिक करें।